भगवान का भगत था भगवान तो भगवान मेरे पिता तो मेरे संकट मोचन जाता था दर्शन करने जाता था। हम नमस्म रहता सीताराम में रहता गाता बजाता भी मंडली में साथ ले जाती रही पता नहीं इसको नसीब में क्या लिखा था इतना परसवाटती था सब गबर साथ करता था अपना काम धन घर छोड़ के परसों बहुत करता था किस्मत में क्या लिखा है क्या नसीब नहीं जाता। आखिरी बार कब आया था माता जी घर? एक हफ्ते हो गए जब से गए अंदर से कोई बातचीत नहीं है फोन भी सुन जाता है। लवलीस कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है उसमें लवलीस का नाम बताया जा रहा है? टीवी में देखा। कैसा है ये लवलीस और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना हम लोगों से इससे कोई मतलब घर में नहीं रहता था ना। कब से प्रयागराज में रह रहा है ये हमें नहीं मालूम। अच्छा यहाँ पर घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 फुट 5-6 रोज पहले साल हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गज नहीं आता था अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था कोई अच्छा, ना अच्छा, किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा प्रयागराज ये आता जाता था ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है पूरा घर बता सकता है हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे सालों से बोल चाल बंद। जब उस लड़के की थप्पड़ मारा था उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसी चौराहे में उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम नहीं नशा करता है। लवलीस कौन है आपके? बड़े भाई है। बड़े भाई तो क्यों किया उन्होंने ये आपको मालूम? सर कुछ नहीं पता हमें। क्यों घर में नहीं रहते थे क्या यहाँ? सर हमें उससे कोई मतलब ही नहीं था वो कब आए कब जाए कुछ मतलब नहीं था। घर पे आता था खाना खाता था फिर निकल जाता था। कब गए यहाँ से? एक हफ्ते हो गया। आप यहाँ क्या करते हो? सर मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ मेरा बीए फर्स्ट ईयर है। फैमिली भी रहती है साथ में परिवार? हाँ सर मम्मी पापा। मम्मी पापा वो डिप्रेस्ड है। ये कब से यहाँ से गायब है? एक हफ्ते हो गया। एक हफ्ते पहले आया था यहाँ पर क्या नशे कभी आती था क्या? हाँ सर करता था। इसके पहले भी कभी कोई घटना ऐसा कुछ काम किया? नहीं सर। कभी जेल वगैरह गए? जेल तो सर गया था बट फिर निकल आया था। किस मामले में? सर थोड़ा थप्पड़ मार दिया था एक लड़की के 1.5 साल समथिंग रहा है फिर उसके बाद 3-4 साल बाद निकल आया था। 3-4 साल हो गए इस मैटर को। कब गया था जेल? काफी हो गया सर 2-3 साल तो हो ही गए। किसी संगठन से भी जुड़ा था? नहीं सर। आप लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि लवलीस ने वहां पर कब मालूम हुआ? सर कल मैं न्यूज देख रहा था तो पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ। हाँ। सुबह मुझे पापा ने मैं सो रहा था पापा ने उठाया था तो पापा ने कहा था कि लवलीस ही है तो मैंने देखा तो मुझे बिलीव हुआ। लवलीस कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है उसमें लवलीस का नाम बताया जा रहा है? टीवी में देखा। कैसा है ये लवलीस और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना हम लोगों से इससे कोई मतलब घर ये क्या घर में नहीं रहता था ना। अच्छा कब से प्रयागराज में रह रहा है ये हमें नहीं मालूम। अच्छा यहाँ घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 फुट 5-6 रोज पहले साल हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गज नहीं आता था अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था कोई अच्छा, ना अच्छा, किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा प्रयागराज ये आता जाता था ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है पूरा घर बता सकता है हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे सालों से बोल चाल बंद। जब उस लड़के की थप्पड़ मारा था उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसी चौराहे में उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अभी हमको याद नहीं 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी।
क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम, नशा करता है, नशेड़ी आदमी, इसीलिए मेरे सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ मिलता सूट आउट? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम, कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है, कहा कहेंगे, कहने लायक क्या है, सब धन के हमारे पास।